लगता है ना कि ये जिसको चाहे ना, हाँ जिसको चाहे वो बेड पे ला सकते हैं, ऑन बेड हो सकते हैं उसके। सोच रहे हैं, उनकी सोच हो गई है ना कि वर्ल्ड बेस्ट यही है, ठीक है। हाँ ये इनकी इनका बस चले ना, तो ये अंबानी की वाइफ को भी ऑन बेड होने को वो कर दे, ठीक हाँ है। क्योंकि आप खुद खुद हर सारी जगह वो करके आ जा रहे हैं और आप मुझे रंडी बनाएंगे। एक लाइफ आप ऑलरेडी खराब कर चुके हैं, नीलम दीदी वाली बात मैं कर रही हूँ। अब क्यों किए दूसरे से शादी जब आप सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है, तो खुश किसके साथ हो आप? नीलम जैसी औरत हाँ जी, इस दुनिया में मिलनी बहुत मुश्किल है। इतना वही तो मतलब कह रही अपने हूँ। काम बट कुछ। आप हेलो। कह रहे हैं हेलो, हाँ जल्दी से आप बैग पैक कर लो, जब टिकट हो गई था हो जा करो अभी ऐसे वैसे हाँ कि आके ले भैया, वो तो भैया कि बर्दाश्त ना भैया, तो भैया जल्दी जल्दी टिकट कर वही ला सकते ऐसे वैसे, ठीक है। मैं रोने भी लगी कि अचानक क्यों मतलब ले जा रहे हैं लोग, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था सेटल नहीं आना। मैं अपने मम्मी पापा से भी एक भी दिन नहीं मिली हूँ सारी बात, हाँ तो ये बोले। तो फिर हम बोले ठीक है माँ, जल्दी जल्दी हम लोग बैग वैग कर जाए। उसके बाद फिर बोले कि रात में निकल गई, वो जा रहा करती रात को जल्दी। फिर अम्मा के मन में पता नहीं क्या है, बोली अम्मा की रात सुबह 5 बजे निकल गई। तो सुबह 5-8 बजे तैयार होके हम लोग वहां से 7 बजे आरा निकले, आरा से फिर थोड़े 2 घंटे आरा रुके होके फिर फ्लाइट के लिए निकले। बताइए भैया ऐसे ऐसे बोले भैया, मम्मी पापा को मेरे वचैरे रुझूंगे झूठ बोलेंगे। लाख हम से कहा गया कि करो शादी करो शादी, मैं ना मैं नहीं करूंगी, मुझे पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं, मैं नहीं करूंगी, मुझे पसंद नहीं, ठीक है ये कहने वाली हूँ। ये चीज मैंने शादी के बाद भी रघु जी से जब मेरी बात हुई थी तो भी मैंने उनसे बोला था कि मैंने जब आपसे सब कुछ पूछा था तो आपने कुछ नहीं बोला, खुद कह रही मुझे बहुत बहस है, तो मैं खुद इनसे होंगी ये स्टार, ठीक है। लेकिन ना मुझे एक सिंपल लाइफ चाहिए था, ठीक है। मुझे बताया गया कि बिल्कुल कौन तुम अपने भाई की तरह है, ठीक है। गुड्डू भैया को मैंने देखा है, नो डाउट गुड्डू भैया जैसा इंसान बहुत मुश्किल से मिलेगा, ठीक है। इतने इतने अच्छा नहीं, इतने अच्छे नेचर के हैं ना कि अपने आपको क्या बोलूं, ठीक है। तो मुझे लगा चलो भाई है भाई, भाई मतलब थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, होगा तो एक ही जैसे ना, भाई बहन कहते नहीं है कि कुछ ना कुछ। बिल्कुल अपोजिट क्या, मुझे तो लग रहा है इनके पूरे खानदान में नीचे बैठ सकते हैं। इस इंसान के अंदर कि हाँ इनको लगता है ना कि ये हाँ जिसको चाहे वो बेड पे ला सकते हैं, ऑन बेड हो सकते हैं उसके साथ। हाँ तो ये रियलिटी क्या है ना, अभी ये सच्चाई से अभी बहुत परे हैं। हेलो, हाँ सुन रहे हैं बात। ये सोच रहे हैं, उनकी सोच हो गई है ना कि वर्ल्ड बेस्ट यही है, ठीक है। हाँ ये इनकी इनका बस चले ना, तो ये अंबानी की वाइफ को भी ऑन बेड होने को वो कर दे, ठीक हाँ है। इनकी इनकी मतलब सोच इतनी हाई है, नो डाउट आप हो, ठीक है। लेकिन आप पे भी ऊंचे ऊंचे लेवल के लोग हैं, दायरे में हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में किसी ने लड़की हीरोइन से शादी नहीं की है, अगर आपको इतना ही होता तो कर लेते शादी। एक लाइफ आप ऑलरेडी खराब कर चुके हैं, नीलम दीदी वाली बात मैं कर रही हूँ। अब क्यों किए दूसरे से शादी जब आप सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है, तो खुश किसके साथ हो आप? नीलम जैसी औरत हाँ जी, इस दुनिया में मिलनी बहुत मुश्किल है। इतना वही तो मतलब कह रही अपने हूँ। काम कुछ। मतलब ठीक है, मैं तो चलिए फिर भी आजकल के सोसाइटी मतलब आजकल के उससे हूँ, शहर से हूँ, बाहर से पढ़ी उड़ी हूँ, तो ठीक है। मेरे पे डाउट कर रहे हैं, 1 मिनट को मैं वो कर सकती हूँ कि भाई आपकी सोच थोड़ी है गांव टाइप, तो आप मेरे पे शक कर रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है। वो तो गांव की थी ना, एकदम से सीधी सादी, फिर उन पे भी आपको उनको भी उनसे भी घिन आती थी, तो फिर आप बने किसके लिए हैं? या
नहीं तो भी सिंपल सी बात है, अगर जिस दिन मुझे रंडी बनाया गया या फिर मुझे इस तरह की बातें मेरे लिए यूज हुई,